जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी लेटेस्ट खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 1750 पेंशन मिलती है और दिल्ली में 1250 रुपये ज़्यादा दे रही है बुढ़ापा पेंशन दुष्यंत चौटाला। वहीं आपको बताते हैं कि हरियाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूछा कि लोगों को 5100 रुपये पेंशन की उम्मीद थी, तो उन्होंने जवाब दिया चलो 250 रुपये तो बड़ी है और यहाँ कोई अंत तो नहीं है। अगर हमने 3 साल में 750 रुपये बढ़ाई है तो आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ, सारे जनता भी जानते हैं। हमारे 45 विधायक होते तो 45 विधायकों के हिसाब से पहले दिन ही बढ़ जाती, मगर गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके अंदर दोनों पार्टियां जजपा भाजपा चर्चा करती हैं और दोनों पार्टियां चर्चा करने पर ही आगे कदम उठाते हैं। मैं तो इससे भी खुश हूँ 250 रुपये बढ़ी है। आज भी हम देश से सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बढ़ाई हुई पेंशन जो 1000 रुपये थे उनके मुकाबले तो हमारी 1750 रुपये ज़्यादा हैं और दिल्ली 1550 रुपये उनके मुकाबले तो 1250 रुपये ज़्यादा हैं। और 100 रुपये देती थी, समय सीमा तो नहीं कहा जा सकता है, मगर प्रयास जरूर करता रहूँगा। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।